एसपी नवनीत भसीन के जाल में फिर फंसा नशे का बड़ा तस्कर। एसपी द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर का असर, नशे के तस्करों पर कमर तोड़ कार्रवाई। पुलिस चौकी नवस्था व थाना चुराहटा की कार्रवाई ग्राम नरोरा निवासी ब्रजेश सिंह उर्फ बाबा के द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार नशीली कफ सिरप बिक्री की जाती रही है। आरोपी के द्वारा अपने पुत्र को भी उक्त कफ सिरप की तस्करी के दलदल में संलिप्त कर नशीली कफ सिरप की बिक्री की जा रही थी, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा एसपी नवनीत भसीन को प्राप्त होने पर एसपी द्वारा थाना चौराहटा एवं चौकी नवस्था पुलिस की टीमें बनाकर आरोपी के घर में दबिश दी गई। आरोपी का पुत्र कुल 110 सीसी नशीली कफ सिरप कीमत 16,500 रुपए व कफ सिरप बिक्री के बाद मिले पैसे 7,45,000 रुपए के साथ पकड़ा गया है, जबकि मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह उर्फ बाबा अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। फरार और आरोपी बाबा के विरुद्ध नवस्था पुलिस एवं सतना जिले के कई थानों में पूर्व में भी एनडीपीसी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। आज जो हमारा अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसमें लगातार सफलताएं मिल रही है और आज फॉरेक्स पकड़ी गई है और अभी जो व्यक्ति है उनका पिछला रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और पुलिस हेल्पलाइन ने इसमें काफ़ी हमारा सहयोग किया। इन्फॉर्मेशन देने वाले ने हमें ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी पिन पॉइंटेड, बीच में उसने हमको ये बताया कि तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, संभवतः कोई वहाँ पर डीलिंग हो सकती है, तो हमारी टीम और तेज़ी से सक्रिय हो गई। तो ये अच्छी कार्रवाई हुई है और पूरी टीम को हम लोग इनाम भी देंगे, उनको मोटिवेट कर देंगे। हाँ, उनके पास से कैश भी बरामद हुआ है जो कि अभी हमने जब्ती किया है, अभी आगे हम लोग उसको विवेचना में देखेंगे कि उन लोगों का उपयोग कैश का वो फॉरेस्ट खरीदने में या उससे अर्जन में किया था, विवेचना का विषय है। अभी तो उनके घर से बरामद हुआ है माल और प्रथम दृष्टया उन्होंने भी माल जब्त कराने के पश्चात अभी स्टेटमेंट उनका लेना है और मुझे लगता है कि जो भी लिंक आगे मिलेगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे।